क्या है, सिग्नल एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कुछ इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सिग्नल, सिग्नल इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच कंटेन और कन्वे सम इन्फॉर्मेशन बाई चेंजिंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एट ए सेम टाइम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाई चेंजिंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एट ए सेम टाइम. ओके, तो बाई चेंजिंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एट ए सेम टाइम का मतलब क्या हो गया? सपोज कर तुम्हारा एक सिग्नल है एक्स वाई, ठीक है, अगर एक्स चेंज होगा तो यहाँ पे वाई भी चेंज होगा. ठीक है, ऐसा नहीं है यहाँ पे एक्स चेंज होगा और वाई कांस्टेंट रहेगा, ऐसा नहीं है. तो सिग्नल में क्या होता है, अगर टू डायमेंशनल सिग्नल है, अगर इसमें एक वेरिएबल चेंज होगा तो दूसरा भी वेरिएबल चेंज होगा एट ए सेम टाइम. ओके, अगर इसके मैथमेटिकल मॉडल का बात करें तो एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई. ओके, यहाँ पे टी क्या है, टाइम, या इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कह सकते हैं. और ए ओमेगा फाई क्या है, ये पैरामीटर ऑफ सिग्नल है. ओके, तो ये इसका मैथमेटिकल मॉडल है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए कॉस फाई या ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाई, कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे टी क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ए ओमेगा और फाई ये क्या है, पैरामीटर ऑफ सिग्नल है. नाउ सिग्नल और फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है? ओके, सिग्नल को भी हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फंक्शन को भी हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स इज ए फंक्शन ऑफ टी हम ये भी बोल सकते हैं. तो सिग्नल और फंक्शन में ये डिफरेंस होता है कि सिग्नल एक फिजिकल क्वांटिटी है विच कंटेन सम इंफॉर्मेशन, ठीक है, और फंक्शन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होता है. ओके, फंक्शन डू नॉट कंटेन एनी इंफॉर्मेशन बाय चेंजिंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एट ए सेम टाइम. ओके, और फंक्शन में, सिग्नल में क्या होता है, बाय चेंजिंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एट ए सेम टाइम. फंक्शन में क्या होता है, दैट इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट चेंज मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एट ए सेम टाइम. मतलब वो एक समय पे एक से ज़्यादा वेरिएबल नहीं बदल सकता है. सपोज करो एक सिग्नल है एफ ऑफ एक्स वाई और एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, दोनों में दो दो वेरिएबल हैं, ठीक है. तो सिग्नल में अगर एक्स चेंज होगा तो वाई भी चेंज होगा, ये सिग्नल में है. और फंक्शन में अगर x चेंज होगा तो y कांस्टेंट रहेगा, y चेंज होगा x कांस्टेंट रहेगा. मतलब कि एक बार में कोई एक ही वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, चेंज होगा. नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्नल. तो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इट कैन चेंज मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एट ए सेम टाइम. ओके, तो इसके अलग अलग वेरिएबल्स क्या क्या हैं. सपोज करो एक्स ऑफ टी है तो ये कैसा है, वन डायमेंशनल है. ओके, तो वन डायमेंशनल में कोई एग्जांपल बताओ, वॉइस सिग्नल, ठीक है, एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, तो कितने डायमेंशनल हुआ, टू डायमेंशनल हुआ, ठीक है. और टू डायमेंशनल का एग्जांपल देखें तो इमेज एफ ऑफ एक्स वाई जेड, ये कितना डायमेंशन है, थ्री डायमेंशनल है, तीन वेरिएबल है, थ्री डायमेंशनल हुआ. और थ्री डायमेंशनल का अगर हम एग्जांपल देखें तो वीडियो सिग्नल. नाउ फोर डायमेंशनल देखे तो चार वेरिएबल है, तो कितना होगा, फोर डायमेंशनल होगा. फोर डायमेंशनल का एग्जांपल रूम टेम्परेचर,
ठीक है। इसी तरीके से अगर n वेरिएबल हुआ तो सिग्नल तुम्हारा n डायमेंशनल होगा, ओके। और यहाँ पे अगर एक वेरिएबल चेंज होगा तो उसके साथ सारे वेरिएबल क्या होंगे, चेंज होंगे, ओके। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है रैंडमनेस एंड अनसर्टेनिटी, ओके। तो रैंडमनेस पहली बात ज़रूरी क्यों है सिग्नल एनालिसिस के लिए? सपोज़ तुम्हारा सिग्नल है एक्स ऑफ टी विच इज़ वन डायमेंशनल या एफ ऑफ एक्स वाई विच इज़ टू डायमेंशनल, और तुम्हारा एक फंक्शन है, फंक्शन रिप्रेजेंटेशन है एक्स ऑफ टी विच इज़ वन डायमेंशनल, एक्स वाई विच इज़ टू डायमेंशनल, ओके, सॉरी वन वेरिएबल विच कंटेन टू वेरिएबल, ओके। नाउ अगर इसमें x चेंज होगा पहले वाले में, अगर टाइम चेंज होगा तो यहाँ पे भी टाइम चेंज होगा, ठीक है, ये टाइम चेंज होगा वन डायमेंशनल में, ये भी यहाँ पे भी टाइम चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर f x चेंज होगा तो y भी क्या होगा, चेंज होगा, और इसमें अगर x चेंज होगा तो y क्या होगा, कांस्टेंट, ओके। और अगर y चेंज होगा तो x क्या होगा, कांस्टेंट, ओके। मतलब कि कोई एक ही वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x चेंज हो रहा है तो y भी चेंज हो रहा है, और यहाँ पे x चेंज हो रहा है तो y क्या हो रहा है, कांस्टेंट। अगर हम इसको इसमें देखें जहाँ पे वेरिएबल क्या है, सिर्फ एक वेरिएबल है, ओके, बिकॉज ऑफ वन डायमेंशनल सिग्नल दिस विल रिमेन सेम, ओके, बिकॉज ऑफ वन डायमेंशनल सिग्नल दिस विल रिमेन सेम, एक डायमेंशन में क्या हो रहा है, सेम रह जा रहा है। सो रैंडमनेस इज कंसिडर्ड फॉर सिग्नल एनालिसिस। अब इसमें हम ये नहीं बता सकते ना कि कौन सा सिग्नल है, कौन सा फंक्शन है, इसमें तो हम बता देंगे कि दोनों चेंज हो रहा है तो मेरा सिग्नल है, सिर्फ एक वैल्यू चेंज हो रहा है तो मेरा फंक्शन है। लेकिन वन डायमेंशनल में हम इसको कैसे बताएंगे, जहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, अगर ये चेंज हो रहा है तो इसमें भी सिर्फ एक ही वैल्यू चेंज होगा, इसमें भी सिर्फ एक ही वैल्यू चेंज होगा। इसी के लिए रैंडमनेस को हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं सिग्नल के एनालिसिस के लिए, इससे हम पता करते हैं कि कौन सा मेरा सिग्नल है। तो जितना ज़्यादा रैंडमनेस होगा, मोर रैंडमनेस, उतना ज़्यादा तुमको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ओके, तो जितना ज़्यादा रैंडमनेस होगा उतना ज़्यादा तुमको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, डॉग बाइट अ मैन, ठीक है। अगर एक कुत्ता एक इंसान को काटता है तो उसमें कितने ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, 100% प्रोबेबिलिटी तो वन है मेरा, काट सकता है, राइट। रैंडमनेस कितना होगा, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन है, ओके। एक कुत्ते ने एक इंसान को काट लिया, कोई इन्फॉर्मेशन है, किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर तुम ये बात किसी और को बोलोगे तो वो क्या बोलेगा, ये तो कुत्ते का नेचर है, राइट, वो तो काटेगा, वो तो डॉग का नेचर है, वो तो काटेगा। तो डॉग बाइट ए मैन यानी कि प्रोबेबिलिटी तो वन है, ओके, चांसेस है। रैंडमनेस क्या हो जाएगा इसका, ज़ीरो, ठीक है। रैंडमनेस क्यों, क्योंकि इसका इन्फॉर्मेशन क्या है, ज़ीरो, ठीक है। अगर हम इसी चीज़ को उल्टा कर दें, मैन बाइट ए डॉग, मतलब एक आदमी ने कुत्ते को काट लिया, ऐसा तो तुम कभी जल्दी नहीं सुनोगे। सपोज़ करो कोई तुमको ये आके बता दिया, तुम्हारे अंदर एक मतलब
ये हो जाएगा, क्वेश्चन अराइज हो जाएगा कि कैसे, कब, कहाँ, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है जो तुमको मिला, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि इसका प्रोबेबिलिटी जीरो था, तुमको नहीं लगता था ऐसा होगा, इसका रैंडमनेस क्या हो जाएगा वन, और इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगा वन। ओके, यानी कि इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोबेबिलिटी का हमेशा उल्टा होता है, मतलब कि जो चीज़ आमतौर पे हो सकता है वो तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो चीज़ आमतौर पे नहीं हो सकता है, जो तुमको लगता नहीं कि ऐसा होगा, अगर वो चीज़ हो जाता है तो यानी कि वो तुम्हारे लिए क्या है, इन्फॉर्मेशन है। ओके, सो इन्फॉर्मेशन इज इक्वल टू लॉग बेस ऑफ वन बाई पी। अब यहाँ पे बेस पे डिपेंड करता है, सपोज बेस इज इक्वल टू टू बाइट, टू बिट्स। ओके, तो इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, लॉग टू वन बाई बी, अगर 10 होगा तो लॉग 10, लॉग बेस 10 वन बाई पी, सॉरी। रैंडमनेस क्या होता है, जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा उतना ज़्यादा तुमको रैंडमनेस मिलेगा, और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, वो प्रोबेबिलिटी का जस्ट इन्वर्स होता है। तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है बैंडविथ। अब बैंडविथ क्या होता है, बैंडविथ इज डिज़ाइन फॉर पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी वेयर द गेन इज कॉन्स्टेंट। बैंडविथ अगर हम मैथमेटिकली देखें इसको, सपोज करो ये एक सिग्नल है, ओके, और इसका अगर हमको कोई पूछे इसका बैंडविथ कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे, 3, क्योंकि बैंडविथ जो रहता है वो सिर्फ पॉजिटिव साइड में हम कंसीडर करते हैं, निगेटिव साइड में हम कंसीडर नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें, बैंडविथ इज इक्वल टू हायर फ्रिक्वेंसी माइनस लोअर फ्रिक्वेंसी, अगर इस फार्मूला के अकॉर्डिंग लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस ऑफ माइनस 3 दैट इज 6, ठीक है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो हम लोअर फ्रिक्वेंसी क्या एज्यूम करेंगे, 0, क्योंकि फ्रीक्वेंसी निगेटिव नहीं होता है। हम लोग फ्रीक्वेंसी को सिर्फ नेगेटिव प्लॉट करते हैं स्टडी पर्पज़ के लिए, एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं होता है। कभी भी तुमने सुनोगे कोई भी रेडियो सिग्नल -98.3 FM या -91.3, ये सब कुछ नहीं सुनोगे, तुम हमेशा पॉजिटिव सिग्नल सुनते हो, ठीक है। तो FL क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0, क्योंकि बैंडविड्थ जो है, जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी होता है वो नेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हायर फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 3 एंड लोअर फ्रिक्वेंसी दैट इज़ -0, सो यहाँ पे बैंडविथ कितना हो जाएगा, 3। अगर हम सिग्नल के विड्थ का बात करें, ओके, अगर हम सिग्नल के विड्थ का बात करें तो ये हो जाएगा 3 of -3, यानी कि सिग्नल विड्थ इसका कितना है, 6। सो वी कैन टेल दैट बैंडविथ इज डिफाइंड एज ए difference between higher frequency and lower frequency। Okay, so this is the characteristics of signal. In next video, we are going to see types of signal.